शरीर से निकलने वाले टॉयलेट के कलर से आपके शरीर के बारे में काफी कुछ पता लग जाता है। जैसे कि अगर टॉयलेट हल्के पीले रंग का या फिर ट्रांसपेरेंट आ रहा है तो इसका मतलब आप स्वस्थ हैं और पानी भी अच्छे से पी रहे हैं। लेकिन अगर ये गाढ़े पीले रंग का है तो इसका मतलब आपके शरीर में पानी की कमी है और आपको इस पे ध्यान देना चाहिए। और अगर ये भूरे संतरी कलर का है तो इसका मतलब आपके लीवर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और अगर ये पीला झाग वाला है तो इसका मतलब आपकी किडनी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और अगर ये हल्के लाल रंग का आ रहा है तो आपको सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि ये किडनी के साथ साथ आपकी यूटीआई या फिर ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है। गाइज, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइज, आपने वर्ल्ड्स मोस्ट हैंडसम मैन के किताब के बारे में तो जरूर सुना होगा, जैसे कि 2021 में वर्ल्ड्स मोस्ट हैंडसम मैन का किताब साउथ कोरियन सिंगर वी यानी कि किम टाई ह्यूंग को दिया गया, और इस लिस्ट में बहुत बार ऋतिक रोशन का भी नाम आया है। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या आपने कभी वर्ल्ड्स मोस्ट हैंडसम हॉर्स के बारे में सुना है? जी हाँ गाइज, अनऑफिशियली वर्ल्ड्स मोस्ट हैंडसम हॉर्स का किताब फ्रेडरिक द ग्रेट को दिया गया है। फ्रेडरिक द ग्रेट दुनिया का अनऑफिशियली सबसे हैंडसम हॉर्स है। गाइज, आपको इस हॉर्स के बारे में सुनके कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सैमसंग, आज के पहले तक आपने इस कंपनी का नाम सिर्फ मोबाइल इंडस्ट्री में ही सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि सैमसंग मोबाइल इंडस्ट्री के साथ साथ कंस्ट्रक्शन का भी काम करती है? जी हाँ गाइज, पूरी दुनिया में ऐसी बहुत सारी इमारतें हैं जो कि सैमसंग CNT यानी कि कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेड कंपनी ने बनाई है। इनफैक्ट पूरी ही दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के मेन कंस्ट्रक्टर में सैमसंग CNT का नाम आता है, जो कि सैमसंग की पेरेंट कंपनी है। क्या इसके पहले तक सैमसंग कंपनी का ये फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। जिंदगी के बहुत सारे इमोशंस में, जैसे कि खुशी में या गम में या फिर फ्रस्ट्रेशन में, हमें रोना आ जाता है, सही है। अब मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे आप ये चेक कर सकते हो कि सामने वाला इंसान खुशी में रो रहा है या गम में रो रहा है या फिर फ्रस्ट्रेशन में रो रहा है। तो वो क्या तरीका है मैं आपको बताता हूं। अगर कोई इंसान रोना शुरू करे और उसका पहला आंसू उसके राइट आंख से निकले तो इसका मतलब वो खुशी में रो रहा है। अगर कोई इंसान रोना शुरू करे और उसका पहला आंसू लेफ्ट आंख से निकले तो इसका मतलब वो गम में रो रहा है। और अगर कोई बंदा रोना शुरू करे और दोनों आंखों से एक साथ आंसू निकल रहे हो तो इसका मतलब वो फ्रस्ट्रेशन में रो रहा है। है ना अमेजिंग फैक्ट? इनफैक्ट इसके पीछे एक रिसर्च भी है, ये ऐसे ही नहीं पता किया गया है। घटना है ऑस्ट्रेलिया की, जहां पे एक महिला ने घोड़े की रेस में $825 की एक इनामी राशि जीती। अब खुशी इतनी ज्यादा थी कि ना आव देखा ना ताव, और उस महिला ने जिस टिकट से $825 की इनामी राशि जीती थी उसके साथ सेल्फी लेके फेसबुक पे अपलोड की और कैप्शन में लिखा कि यही वो टिकट है जिसने मुझे $825 जितवाए हैं, और स्माइल के साथ फोटो डाल दी। अब थोड़ी देर में एक बंदे ने उस टिकट को डाउनलोड किया और उस पर एक बार कोड था जिसे स्कैन किया और सारी पेमेंट अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर ली। गाइज, कई बार सेल्फी लेने के चक्कर में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, जरा संभल के सेल्फी अपलोड करिएगा। गाइज, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि दुनिया की सबसे लंबी यानी कि टॉलेस्ट बिल्डिंग कौन सी है तो शायद आप लोग बड़े आसानी से जवाब दे देंगे, क्योंकि इस पे गाना आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, एंड दैट इज बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 828 मीटर है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये बिल्डिंग इतनी लंबी है कि इस बिल्डिंग से आप दिन में दो बार, जी हाँ दिन में दो बार सनसेट देख सकते हैं। एक बार तो ग्राउंड पे रह के और एक बार एलिवेटर लेके अगर आप टॉप पे जाएंगे तो टॉप से आप फिर से सनसेट देख पाएंगे। है ना अमेजिंग फैक्ट? गाइज, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।